इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप SBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हो और जब भी आप अपने दोस्तों, परिवार में या किसी रिश्तेदार को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप क्विक ट्रांसफर का उपयोग करते होंगे, क्योंकि उसमें बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन उसकी लिमिट बहुत कम है। यदि उससे भी ज़्यादा आपको पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ गई तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेनिफिशियरी होता क्या है और आप SBI बैंक में बेनिफिशियरी ऐड कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेनिफिशियरी होता क्या है। बेनिफिशियरी का मतलब है कि आप बैंक को यह बता रहे हो कि मैं किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो जब मैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जाता हूँ तो मुझे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ डालने के लिए कहता है। लेकिन ये डिटेल मैं पहले ही बैंक को दे देता हूँ ताकि बैंक उसको वेरीफाई कर सके और मेरी SBI की इंटरनेट बैंकिंग में आसानी से जोड़ सकें, क्योंकि जब भी मैं अपने दोस्त रिश्तेदार को पैसे ट्रांसफ़र करूं तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकूं, ताकि मुझे वो डिटेल डालने की ज़रूरत ना पड़े। यह हो गया बेनिफिशियरी क्या होता है। अब मैं बताता हूं आपको कि बेनिफिशियरी ऐड कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपको पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन पर क्लिक करें, कंटिन्यू टू लॉगिन, यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक, बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो डाल के सबमिट पे क्लिक करें। आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट एंड ट्रांसफर, इस पे क्लिक कर दें। ध्यान रखना, मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कुछ लोग विदाउट बेनिफिशियरी को ऐड करते हुए क्विक ट्रांसफर का उपयोग करके पेमेंट भेजते हैं, तो वो ऑप्शन रहा पहला आपके सामने, यह रहा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यदि आपका दोस्त का अकाउंट यदि SBI में भी है तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ अदर विद इन SBI, मतलब अकाउंट दूसरा है लेकिन उसका SBI में अकाउंट है। और यदि आपका किसी दूसरी बैंक में अकाउंट है तो नीचे ऑप्शन मिल रहा है अदर बैंक ट्रांसफ़र, तो मेरा अकाउंट ICICI बैंक में, मतलब मेरे दोस्त का अकाउंट ICICI बैंक में है तो मैं ICICI बैंक की एक बेनिफिशियरी ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको एड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक करें। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यदि आप SBI बैंक की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें, यदि आप किसी दूसरी बैंक की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं लेकिन इनके बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं, केवल सिंपल सी बात करेंगे कि आप बेनिफिशियरी ऐड कैसे कर सकते हो और पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं अभी, मेरा ICICI बैंक में किसी दोस्त का अकाउंट है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यदि आपका SBI का है तो आप उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने बड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे आपको उस दोस्त का नाम लिखना है जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, जिस पे ये लाल डॉट बना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है। आप अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो 10 लाख की लिमिट दी हुई है, तो आप 10 लाख रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप IFSC कोड आपके पास तो वो डाल दीजिए, यदि लोकेशन से IFSC कोड सर्च करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दें, उसके बाद में आई एक्सेप्ट और सबमिट पे क्लिक कर दें। ध्यान रखना, बेनिफिशियरी ऐड होने में 4 घंटे का समय लगता है, तो आप यदि 10 बजे बेनिफिशियरी को ऐड करते हो तो 2 बजे के लगभग आपकी बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड होगी। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उसके बाद में एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिए, आपकी बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बेनिफिशियरी ऐड करके रखी है, तो आप वापस यहाँ पर आके व्यू में चेक कर सकते हो। देखो मैंने एक बेनिफिशियरी ऐड करके रखी है जिसका स्टेटस एक्टिव बता रहा है अभी। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे करना है बिना अकाउंट नंबर डाले हुए, क्योंकि मैंने तो बेनिफिशियरी ऐड कर ली है। तो अब आपको वापस क्लिक करना है पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे। तो हमने ICICI बैंक की बेनिफिशियरी ऐड की थी, तो इस पर करते हैं अन्य बैंक का खाताधारक। अब आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, तो मैं IMPS से करना चाहता हूँ। यदि आप इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि IMPS, RTGS, NEFT क्या होता है, तो इसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो वीडियो देखना ना भूलें। तो IMPS क्लिक कर देंगे, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। यदि आपके पास MMID कोड है तो वो डाल के आप पर्सन टू पर्सन कर सकते हो, लेकिन आपको पर्सन टू अकाउंट करना है, यानी आप IFSC कोड का यूज़ करना चाहते हो, तो मैं पर्सन टू अकाउंट करूँगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। अब आपके सामने ये वो अकाउंट आ रहा है जिनमें अभी बैलेंस है, यानी वो मेरा अकाउंट है। अब मैं इसमें जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ
उतना अमाउंट डाल देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, 10 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे। आपको पर्पस डालना है किसके लिए आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो पेमेंट ऑफ एजुकेशन फी। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जो बेनिफिशियरी मैंने ऐड करके रखी थी वो बेनिफिशियरी आ चुकी है, तो मैं आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे से वेरीफाई किया जा रहा है ये ट्रांजेक्शन, मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आपके सामने बिना किसी अकाउंट नंबर को ऐड किए हुए ऐसे आप बेनिफिशियरी को ऐड करके किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो कितना आसान था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।